Hello everyone, this is Kunal Shah, Head of Commodity Research from Nirmal Bang. As far as crude is concerned, let us discuss the monthly outlook for energies. Crude में basically क्या लग रहा है, क्या हुआ last महीने में और क्या होने वाला है ये महीने में. अगर हम देखें कि crude में last महीने में, so April 2024 में crude में जो upside आई, जहाँ पे Brent almost 94-95 dollars हमने टेस्ट करते हुए देखा था और WTI भी ऑलमोस्ट 87-88 डॉलर आ गया था. बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन, सो ईरान और इसराइल के बीच में कोई बड़ी वॉर होगी, सो ऑयल की सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी और इसके कारण ऑयल में तेजी आ गई थी. सो धीरे धीरे जैसे इसराइल और ईरान के बीच में चीज़ें स्टेबल हुई, सो ईरान स्टॉप अटैकिंग इसराइल, इसराइल ऑल्सो आफ्टर द रिटेलिएशन दे ऑल्सो स्टॉप अटैकिंग ईरान एंड देर वॉज अ प्रोलॉन्ग पीस बिटवीन दैम. सो इसके कारण जो प्रीमियम जियो पोलिटिकल का बिल्ट हुआ था वो चला गया. सेकेंड, US में लगातार इन्वेंट्री बिल्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द रिफाइनरी मेंटेनेंस सीजन इन US. तो US की इन्वेंट्री लगातार बढ़ रही है, तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव रहा था पूरे अप्रैल मंथ में और इवन एट द स्टार्ट ऑफ द मे में वी स्टार्टेड द मे विद द वेरी हाई इन्वेंट्रीज. सो रिफाइनरीज जब तक वापस नहीं आती है तब तक इन्वेंट्री हाई रहेगी. सो मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में ऑयल 84-85 डॉलर्स के ऊपर जाना WTI फॉर द मंथ ऑफ मे 2024 बहुत ज़्यादा मुश्किल है. और ऑन द डाउन साइड, यू नो, आपको धीरे धीरे मुझे लग रहा है WTI 75 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने मिलेगा. MCX पे 6800 के ऊपर जाना डिफिकल्ट लग रहा है और ऑन द डाउन साइड 6300-6250 ऐसे लेवल आपको एक बार अच्छा तेल ट्रेड करता हुआ दिखा सकता है. व्हाट आर द मेन इवेंट्स टू वॉच आउट फॉर? मेन इवेंट्स टू वॉच आउट फॉर इज चाइनीज डेटा, US डेटा, कितना US का इन्वेंट्री आ रहा है, US का इकोनॉमिक डेटा. ओवरऑल कुल मिला के सब देखोगे तो 75 के आसपास में थोड़ा सा पुल बैक, 75-74 के आस थोड़ा सा पुल बैक आएगा और ऊपरी स्तरों में 82-83 इज अ सेलिंग जोन. कच्चे तेल में ओवरऑल लंबी तेजी के लिए कोई ट्रिगर चाहिए एंड इफ द जियोपॉलिटिकल वर्सन्स, इफ जियोपॉलिटिकल फिर से वर्स होता है या ईरान से सप्लाई डिस्टर्ब होने की बात है या दूसरे कोई मिडल ईस्ट से या US यूरोप से सप्लाई डिस्टर्ब होने की बात है तो अलग चीज़ है, प्राइस बढ़ जाएंगे. दूसरा रीज़न प्राइस बढ़ने का है, चाइना इज़ डूइंग वेल. सो चाइना के अगर इकोनॉमिक डेटा आप देखेंगे, सो चाइना के इकोनॉमिक डेटा लगातार पॉजिटिव आ रहा है. सो इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चाइना में ऑयल की डिमांड बढ़ेगी और चाइना में ऑयल की डिमांड बढ़ने के कारण बराबर है मुझे लग रहा है कि 75 के नीचे ऑयल WTI जाना थोड़ा डिफिकल्ट है. सो कोई भी कमोडिटी में प्राइसेस बढ़ने का घटने का दो तीन रीज़न होते हैं, एक उसकी डिमांड सप्लाई, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी और तीसरा मार्केट में ग्रीड एंड फियर, मार्केट पोजिशनिंग के हिसाब से. तो क्रूड में अभी भी लोग बुलिश ही है, सो दैट इज स्लाइट रीजन कि मैं सेल ऑन राइस का व्यू. डिमांड सप्लाई साइड से कोई बड़ी तेजी फिलहाल नजर नहीं आ रही है और मैक्रो साइड से US के डेटा खराब होना चालू हुआ है, तो ओवरऑल कुल मिला के उछाले पे इसको भी बेचने का ही काम करना है. सेल ऑन राइस की रणनीति अपनाइए, मैंने आपको रेंज दे दिया है पूरे मंथ के लिए.